brought to you by Life is so sleek in my kitchen. Have a life, gotta enjoy. Authorized distributor for Nepal Kitchen Concepts Private Limited. Kapal ko saundarya sajaunak ko lagi Poonam Mehndi. Kanak Designer Studio, Pasal number T23 ra 34 City Center Kamal Pokhari. हिमालय टेलीविजन देख रहा सभी दर्शका मैं दयाराम अग्रवाल को नमस्कार। मारवाड़ी गीत संगीत रहन सहन खाणो पीणो रीति रिवाज समाज के लोगों से बातचीत को यो कार्यक्रम अपनो नेपाल अपनो गौरव में आप सबको अभिवादन। आओ कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा देखा पिछले दिन की कुछ गतिविधियां। संविधान जारी करने को समय जइयां जइयां नजदीक आ रहे है, सभी समुदाय आप आपकी पहचान लगायत अन्य विषया ने सूचीकृत कराने में प्रयासरत है। अपनो मारवाड़ी समुदाय भी देर से ही सही आपकी पहचान ने सुनिश्चित कराने में संगठित होते हुए दिख रहे है। ऐ सिलसिले में मारवाड़ी समुदाय ने आने वालों संविधान में अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में और मारवाड़ी भाषा ने बोली चाली की भाषा लगायत विभिन्न क्षेत्र में समानुपातिक प्रतिनिधित्व की मांग ने सूचीकृत कराने के लिए प्रयास हो रहा है। विभिन्न पार्टियां की तरफ से संविधान सभा में प्रतिनिधित्व करणिया अपना समाज का सभी सभासद एकजुट होकर के सभामुख और संवैधानिक समिति का अध्यक्ष ने ज्ञापन पत्र दिया। जातीय तथा भाषिक रूप में उत्पीड़न में परेको यस समुदाय को हक में पहचान स्पष्ट कृतान नभई ओझल में पढ़ गए महसूस भएको हुँदा अल्पसंख्यक में समावेश गर्दै मारवाड़ी समुदाय समानुपातिक समावेशीकरण को सिद्धांत अनुसार राज्य द्वारा प्रदान गरिने सबै अंग त अवसरहरूमा समानुपातिक समावेशीकरण सुनिश्चित गर्न संविधान को आवश्यक संपूर्ण धारा उपधाराहरूमा सूचीकृत गरियोस्। समुदाय को आफ्नै भाषा भएकोले उक्त भाषालाई पनि सूचीकृत गरियोस्। ज्येष्ठ 14 गते भित्रमा सहमति गरेर सहमति भएका विषयहरूमा संविधान जारी गरेर जुन कुराहरू बाँकी रहन्छन् त्यसलाई रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसदबाट टुङ्ग्याउने गरिकन संविधान जारी गर्नु नै सबैभन्दा बुद्धिमानी हुन्छ। यो मुलुकमा विभिन्न समुदायहरू छन्, विभिन्न भाषाहरू छन्, विविधतायुक्त मुलुक रहेको छ र यी विविधतायुक्त मुलुकमा केही चाहिँ अलिकति बढी संख्यामा छन् भने केही कम संख्यामा भएका समुदायहरू छन्, केही विकसित भाषा भएका समुदाय छन् भनेपछि केहीको विकास गर्न बाँकी नै छ, केही चाहिने अलिकति आफ्नो आवाज पुर्याउन सक्ने खालका छन् भने केहीको आवाज दबिएकै रहेको छ, कमजोर अवस्थामै रहेका छन्, यी विभिन्न रहेका छन्। जब यस्तो अवस्थामा हामी कुनै समुदायलाई आफ्नो पहिचान सहितको सामुदायिक अधिकार पनि दिने एउटा व्यवस्थामा प्रवेश गर्छौँ भने विभिन्न समुदायले आफ्नो पहिचान सहितको अधिकार र सम्मान खोज्ने क्रममा मारवाडी समुदायले पनि आफ्नो पहिचान र अधिकार र सम्मान खोज्नु स्वाभाविक हो। यो समुदायप्रति कुनै पनि किसिमले कुनै पनि राजनीतिक समूहको पूर्वाग्रह छ भन्ने मैले अनुभव गरेको छैन। आफ्नै समाजका लोगद्वारा सम्मिलित होकर के झापा विराटनगर वीरगंज इटहरी आदि जगह में रैलियां भी निकाली गई। रैलियां में उत्साहवर्धक सहभागिता देखी गई। अब आगे आज का अतिथि से बातचीत। आज आपने कने एक नहीं तीन तीन अतिथि है और तीनों हम उम्र करीब 19 से लेकर 21 वर्ष का लड़का लोग है। इना से आज आप जानने की कोशिश करांगा कि लड़का लोगों की सोच अब अभी के जमाने के हिसाब से कहीं की चाल रही है। और एम एस अपने कने अतिथि है, पहला अतिथि है अनुज धनु का, दूसरा अपना अतिथि है गौरव सराफ और तीसरा अपना अतिथि है नीतीश शरिया। आओ कार्यक्रम में इना को स्वागत करा, कार्यक्रम में आप लोग का स्वागत है। अनुज, जैसे थारी उम्र का लड़का की आपके परिवार के प्रति के जिम्मेवारी होनी चाहिए या अभी लागे की थार लोगों ने कि भाई अपनी जिम्मेवारी लेने की टाइम को नहीं आई है? अभी मेरी उम्र के हिसाब से, जब मैं 21 साल का हूँ, तो मेरे हिसाब से मन अपने परिवार ने पूरी तरह से सपोर्ट करना चाहिए। गौरव, थारे विचार में के लागे? हम लोग का उम्र का बच्चा लोग के सोचा कि हम लोग तो खेलने कूदने के दिन, बस खेलने कूदने के दिन, लेकिन एक कर्तव्य बोलकर भी चीज रहो बाबी उन्होंने याद रहना चाहिए
नीतीश आपका विचार में? अपनी उम्र भी है, अपन पापा ने लोगों ने रेस्ट देके अपन ज्यादा काम करना चाहिए वो तो है ही सागे, पर आपने यही उम्र है जब आपकी लाइफ भी जीवा, आपको टाइम ही यही है, बाद में यो लाइफ कभी आपने वापस को नहीं आएगा यो टाइम। अपना जी अब मैं बोल दूंगा कि बाद में जाके मैं बंजी जंपिंग करूंगा या मैं स्काई डाइविंग करूंगा तो बाद में कभी कौन कर पाऊँ, यही टाइम मैं जो मैं कर सकूँ, बाद में ना शरीर सपोर्ट करोगे ना कुछ, तो यही टाइम मैंने आपकी लाइफ भी जीनी है सागे फैमिली सपोर्ट करूंगा। गौरव थार लोगा की उम्र का लड़का लोगा की आमतौर पर एक सोच रवे है कि मेरा माँ बाप जैया का दुनिया से बेखबर या यूं कह लो कि उना कहते यहां को बेकूफ दुनिया में और कोई भी कोनी, इना ने तो कुछ भी बेरो कोनी, थारी नजर में यह बात कितनी सही है? मेरी नजर में अगर मेरी तरफ से बस मैं बोलूं तो मने लगे एकदम गलत है, क्योंकि उन लोग हमने पैदा करने वाला, हमने पालना पोसने वाला, उन लोग ही हमने बड़ा किया, छोटा सा बड़ा किया, तो उन्होंने हिंट मिल जावा, हम लोग भी अगर कोनी बोला उन लोग ना, उन्होंने अपने आप ही पकड़ में आ जावा कि नहीं ये झूठ बोल रहा। नीतीश आपका क्या लागे जी, मेरो के कारण है कि ऐ उम्र का जो लड़का हुआ है उना की नजर में उना का माँ बाप करीब करीब लोग यही समझे कि उन्होंने इन्हान कुछ भी कोने बेरो, जितो मैं जान गया जो पढ़ के मैं जो समझ गया हाँ बात चीज ये लोग जाने को नहीं, इसलिए ये लोग मारे साथ सही ट्रीट को नहीं कर सके, मेरे कर्ण यो है, तो यह बात थाने के लागे। नहीं थारी बात मैं बिल्कुल सहमत को नहीं, पहली बात मैं ये है कि मतलब पेरेंट्स आप अगर आप कंप्यूटर्स की बात करा तो आप बचपन से कंप्यूटर चलाते आ रहे हैं, आपकी या उम्र कोई भी चीज सीखन की तो आप आसानी से सीख लें कोई भी चीज, तो पापा लोगों थोड़ा डिफिकल्टी हो गया कोई भी चीज सीखने में, तो यह बात को नहीं कि उन्होंने आपने से कम आवे, बाकी सब व्यापार देख लें आप किन्ने भी देख लें, पापा लोगों ने आपने से बहुत ज्यादा चीज बेरो हुआ है, किसे व्यवहार किया करनो, लोगों से किया संबंध बनाए रखनो, सब कुछ पापा लोग आपने सिखावा, आप वो लोग से सीखा, पापा ने देख देखे आपने रोल मॉडल अपने पेरेंट्स हो, सबसे पहले रोल मॉडल अपने पेरेंट्स हो गए, अब यो कौन से उन्होंने कम आवा, अब टेक्निकल आपने जो मेरे को जनरेशन है लोग टेक्निकली एडवांस है, अब मेरे को नेक्स्ट जनरेशन में जो एडवांसमेंट आऊंगो उससे मेरे लोग पेसअप कौन कर पाऊंगा, तो वह टेक्निकली आप बोलना तो थोड़ा असर है, पर लाइक सोशली बोलना तो आप बहुत पीछा अपने पेरेंट्स है। अच्छा अनुज, सामान्यतया ई उम्र का लड़का में एक सोच रवे है कि मेरा परिवार का लोग जो काम धंधो करता आ रहा है उसे हटकर कुछ करा, तो थाने के लागे थारा बडोड़ा जो काम धंधो कर रहा है और या फिर समझो जो चीज से था लोगों ने आज इतो बड़ो बनाया उना का सागे लाग के कुछ सीख ले और उनके बाद फिर आपको नयो कुछ करे, यो सही है कि नहीं कुछ हटके ही करना ज्यादा सही है? यह बात थारी बिल्कुल सही है कि सीख का कुछ अपनी सीख का जो बिन लोग काम कर रहे, क्योंकि बिन लोग ही मेरे बढ़ाया पढ़ाया है ना, तो बिन लोग से कुछ सीख कर, बिन लोग से कुछ गेन करके, बिन लोग के साथ रहकर ट्रेनिंग करके फिर भी अगर अपने कुछ करो तो एक्सपीरियंस बढ़ा ना भाई हिसाब से, तो अपनी ट्रेनिंग ले लो पहला एक दो महीना पापा लोग जो काम करो बिन लोग के साथ रहकर फिर भी के बाद अपनी कुछ करो, क्योंकि अपनी भी तो एक नई आइडिया रहो, झटा से थे पढ़ो, झटा से सीखो, जो इन्वायरमेंट रहो भाई साहब भाई भटे अप्लाई कर सको थे, तो भाई हिसाब से सीख कर फिर अपनी कुछ करो। अच्छा गौरव, यह अपने मारवाड़ी समाज का जो संस्कार है इनमें से अच्छी क्या चीज लगा है? संस्कार अच्छी मतलब एक ठोक बह को नहीं बोल सका, लेकिन लेकिन एक ठोक अगर जो पर्सनली मैंने बोलना पड़ा तो बा हम लोग बड़ा लोग ने जो आदर करा, हम लोग झुककर धोक खावा, मैंने बा सबसे अच्छी संस्कार लगा। अच्छा नीतीश, सबसे अपना मारवाड़ी संस्कार में खराब की चीज ताने की फील हुआ है? खराब बोला तो आपने संस्कार में, आपने मारवाड़ी कल्चर में खराब बोला भी तो कुछ भी कौन लागा मन, पर एक बोला था आपने फीमेल डोमिनेशन बहुत ज्यादा है, फीमेल ने डोमिनेट बहुत ज्यादा करा है आपने। अच्छा अनुज, जहाँ आज के दौर में फर्स्ट कजन जो फैमिली जी, या फ्रेंड्स या नेबर्स एमएस ज्यादा महत्वपूर्ण किए है? फर्स्ट कजन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, फर्स्ट कजन, क्योंकि थारा फ्रेंड्स तो रह वही है, फ्रेंड्स तो हर पल थाना साथ दूंगा, पर कजन्स लोग ने भी बहुत इंपॉर्टेंस देना जरूरी है, क्योंकि कजन्स लोग थारा सब पहला से थारा से जुड़ा हुआ, फ्रेंड्स लोग तो थारा स्कूल में पढ़ने के बाद बिकी बाद आकर साथ देवा थारा, लेकिन कजन्स लोग बिन लोग ने मतलब शुरू से जाना बिन लोग के कि बिन लोग की आदत, बिन लोग की मेरे लोग के साथ रहना सहना की मतलब जो भी कैपेसिटी हुआ सब कुछ मेरे लोग सब मिला, तो बिन लोग से मेरे लोग ज्यादा गोल मिल सका। अच्छा गौरव, जहाँ नॉर्मली आजकल देखियो जावा है सभी फैमिली करीब करीब ज्वाइंट में कोई को नहीं रहा है, न्यूक्लियर्स में ही रहा है, तो इन केस में जहाँ कि नेवर्स कोई भी काम पड़े तो पहले नेवर्स ने याद करे, फर्स्ट कजन ने बाद में याद करे, यह चीज सही हुआ है के?
या चीज अब दिखी जाओ तो अब थोड़ी जाए दूरी रहो तो नेबर्स पास रहो फिजिकली हमने सोचा तो अब जो मेरी साथ में मेरे पास में अनुज भैया उरा तो मैं सबसे पहला उरे जाऊंगा। मैं यही सोचूंगा ना मैं थारी पास क्यों आऊँ पहला, यो मेरे पास है तो मैं एक पास जाऊंगा भाई बात हो जाओ इम नेबर और भैया अपना हो अपना परिवार बीती फर्क नहीं होने चाहिए रहे लगा मना। ओके अच्छा आप एक छोटो सो ब्रेक ले वहाँ ब्रेक के बाद बातचीत में फिर आगे बढ़ाऊंगा। दर्शक वृंद एक छोटो सो ब्रेक ले रहे हैं, देखता रहियो हिमालय टेलीविजन। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न, ज्येष्ठ 15 गते नेपालमा कुन दिवस मनाइन्छ? अप्सन ए गणतन्त्र दिवस, अप्सन बी लोकतन्त्र दिवस, अप्सन सी बाल दिवस, अप्सन डी मजदुर दिवस। दिएका अप्सनहरू मध्ये ए अन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र ए बी सी डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् इलेक्ट्रोनको आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई ब्रिटानियाको तर्फबाट गिफ्ट ट्याम्पर, कनक डिजाइनर स्टुडियोका तर्फबाट 10 जनालाई डिस्काउन्ट कुपन र प्रत्येक महिना सुन जस्तै देखिने गहना 1 जनालाई, साथै कलर्स मोबाइल एक थान 1 जनालाई। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:30 बजे माफ्रो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। Authorized distributor for Nepal Kitchen Concepts Private Limited. Kapal ko saundarya sajaunat ko lagi Poonam Mehndi. Kanak Designer Studio, Pasal Number T23 ra 34 City Center Kamal Pokhari. Break ke baad aap sabko fir se swagat hai. Aaj aap baat kar rahe hain teen yuva ladka logan se, Anuj Dhanuka, Gaurav Sharaf aur नीतीश सरिया। आओ बातचीत ने फिर से आगे लेकर जाए। अनुज जहाँ नॉर्मली बच्चा और बच्चा का माता पिता उन्हा के उम्र में करीब 25 वर्ष को एक नॉर्मल अंतर रहा है, ठीक है? तो ऐ सिचुएशन ने जो उम्र को डिफरेंस के कारण से जो सोच में डिफरेंस रहा है, इस सिचुएशन ने टैकल करने के लिए थाने के लगा यंग ने या समझ लो बच्चा ने भी कुछ कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए या सिर्फ माँ बाप ने ही बच्चा से कॉम्प्रोमाइज करना? ना ना, बच्चा भी आजकल इतना समझदार हो चुका है कि बच्चा लोग भी अपने समझ का मतलब बात कर रहा, कुछ भी कॉम्प्रोमाइज तो बच्चा लोग ने भी करना चाहिए। नीतीश, आजकल का लड़का लड़की अपनी मारवाड़ी भाषा को प्रयोग करनो ही कोनी चावे, या यू कह लियो भोताने मारवाड़ी आवई कोनी, तो थाने की लागे इनको खास कारण की है? हमारी जनरेशन लड़का लड़की मारवाड़ी नहीं आने को सबसे मेन कारण तो है उनका पेरेंट्स। अगर मेरा पेरेंट्स मैंने सपोर्ट नहीं करता, मेरे फैमिली में अगर पापा मैंने शुरू से नहीं बोलता कि मतलब मारवाड़ी में बात करना, शुरू से मैंने मारवाड़ी नहीं सिखाया, मैं छोटो तब से अगर मैंने मारवाड़ी नहीं सिखाता तो मैंने को लगा मैं उधर बैठो तो अपना मारवाड़ी में बात कर रहा होता। मेरा बहुत सारे दोस्त है जिन्हें मारवाड़ी बिल्कुल भी को नहीं आवे, अब उन्हें घर में जावा कभी बैठा करा तो अंकल आंटी कभी मारवाड़ी में बात कौन कर रहा है? सबसे मेन कारण अगर पेरेंट्स फोकस रहे कि नहीं अपनी संस्कृति आपने सिखानो, ये लोग नहीं सिखेगा तो अपनी मारवाड़ी भाषा लोप होती जाओगे, आगे इसके नेक्स्ट जनरेशन में बेरोगन रहोगे, मारवाड़ी भाषा की हो गए। तो मेन चीज है कि पेरेंट्स अगर फोकस्ड है, पेरेंट्स अगर सिखावा आपका बच्चा लोग ने कि मारवाड़ी भाषा बोलनी चाहिए करनी चाहिए, पेरेंट्स अगर है कि मतलब मारवाड़ी भाषा ने आगे ले जानो है, वो लोग ने अगर अच्छो लग गए तो उसके ऊपर सब मेन चीज डिपेंड कर रहा है अपनी। गौरव, जहाँ इन उम्र में अपोजिट सेक्स की तरफ में झुकाव होनो एक सामान्य बात है, लेकिन लड़का लोग इन चीज ने एकदम लाइटली लेवे है और उनको सोचनो रहे कि लड़कियां के साथ फ्लर्ट करो और भूल जाओ, क्या ये बात सही है या ये सही काम है? सोच पर डिपेंड करो, या जरूरी को नहीं कि फ्लर्टी करनो हा छोड़ देनो हा, या जरूरी को नहीं, बस वो आदमी की सोच के ऊपर रहो। अगर मैं कोई सच्ची में प्यार बोला बिना प्यार ही करूं तो मैं फ्लर्ट की तो नाम भी गुनियासी, मैं प्यार करूं उम्र में प्यार हुआ है कि वो फ्लर्ट में ही रह जावा है वह चीज नहीं। प्यार मेरी मतलब डेफिनेशन प्यार के लिए मैं बोलूं मेरी तरफ से मतलब केयर, वी केयर फॉर समवन, मेरी बस बा और बिकी आगे कुछ को नहीं। लव मतलब वी केयर फॉर समवन, वी थिंक अबाउट समवन, बिकी बारे में मैं अच्छी चाहूँ बुरी को नहीं चाहूँ, या चीज रहो मेरी। अच्छा अनुज, सेक्स बिफोर मैरिज थारी राय में क्या है? इट्स गुड और इट्स नॉट? इट्स नॉट गुड, वी शुड हैव सेक्स आफ्टर द मैरिज, बिकॉज एक अपनी मारवाड़ी सोसाइटी में एक रूल्स एक रेगुलेशन है, मतलब एक सोसाइटी ने देख कर चलना पड़ा। अब थे
थाना एक बाद में रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि थे या काम कर लिया हो, तो वही हिसाब से थाना मतलब सेक्स शुड बी आफ्टर मैरिज। अच्छा नीतीश जी, हाँ आजकल का बच्चा और पेरेंट्स दोनों ही के सोचे है कि अगर बच्चा को कैरियर बनाना है तो अब्रॉड स्टडीज आर मस्ट, वे सोचा है तो धनक की लागे या जरूरी है पेरेंट्स के सागर रह के आप पढ़ कौन सका आप कोई कारण योगी को कोई विशेष कारण लगा था ने? अब्रॉड स्टडीज मतलब पहले तो यह है काठमांडू में अच्छा कॉलेजेस को नहीं है तब बारह जाता है वह बात अलग होगी। आजकल देखे बहुत बढ़िया बढ़िया कॉलेजेस खुल गया काठमांडू में, सारा कोर्सेज अवेलेबल है उरे, तो वह बात को नहीं मतलब बारह जावे अब्रॉड जावे स्ट्रगल की लाइफ हो गए, स्ट्रगल में आदमी घिसके कोयला हीरा बनने वाली बात होती है नी, तो मतलब अगर स्ट्रगल में रहवे तो आदमी और बढ़िया चीज और सीखे लाइफ में क्या जीनो है, स्ट्रगल की लाइफ क्या सहवे आदमी वो सबसे बढ़िया ही रहवे। अच्छा अनुज, थारी उम्र का लड़का लोग अगर थोड़ो सो भी कमाने लग जावे, थोड़ो भी कमाने लग जावे या समझ लियो आपका बाप को काम में हाथ बटाने लग जावे है, तो उनके बाद थिलोगा का एक फीलिंग आ जावे कि मारे भर को होनहार लड़को तो कोई दूसरो है ही को नहीं, या थिलो घर में यहां दिखाने लग जाओ कि मतलब जो हूं मैं ही हूं, या फीलिंग आने को कारण किए? अब देखो पहली बार कमा रहा लड़को घर के लिए, कुछ देर हो घर में पैसा तो ऑब्वियसली वो फीलिंग तो आई सी ना, थोड़े प्राउड होकर चलेंगे घर में, थोड़े खाना वाना मना अच्छे से जिमाओ अच्छे से खिलाओ पिलाओ, तो बा फीलिंग तो आई जाओ ना, मतलब पैसा दे रहा हूँ घर में कमा कर ला रहा हूँ। क्यों तो थारा बाप माँ बाप जो थार लोगों ने बड़ा करिया भी तो आपकी कमाई से थार लोगों ने तो खर्च करिया, कोई डिफरेंस थोड़ी करिया, तो भाई तो मैं बिना के लिए कर रहा हूँ, तो बिना के लिए तो ऐसा कर रहा हूँ, तो मैंने भी थोड़े अच्छे से फेवरेट मन ट्रीट करो, अब मैं भी कमाना खाना लग गया हूँ, आया नहीं कि सिर्फ थारे खा रहा हूँ, मैं अपनी कमा को खुद खा चुका हूँ, मेरे अंदर यह आ चुकी है कि मतलब तुम मेरा मना थोड़ी रिस्पेक्ट दो। नीतीश आपका कार्यक्रम के करीब लास्ट में आ गया, तो यंगस्टर्स ने क्या कहना चाहोगा कि व्हाट शुड वी डू? यंगस्टर्स में यही कहना चाहूंगा कि आपने मेन चीज ये कि पेरेंट्स का अंडरस्टैंडिंग बना के रखना चाहिए एकदम, आपकी जिद में कदी नहीं अड़ना चाहिए कि आप जो पेरेंट्स आपने जो भी करा सर आपने भलाई के लिए ही होगा, आप एक अंडरस्टैंडिंग बना के रखा, एक थोड़ी सी मेच्योरिटी दिखाना चाहिए यू एज में आके, अब थोड़ी मेच्योरिटी तो होनी चाहिए, कोई बचपना नहीं करना चाहिए मेरे में, एक मतलब अंडरस्टैंडिंग रखे, फैमिली ने सपोर्ट जरूर करना चाहिए। गौरव आपके विचार में? मेरे विचार में अंडरस्टैंडिंग अच्छी से होनी चाहिए सबसे पहली बात, क्योंकि माँ बाप ही आवा और सब दुनिया पराया रहो बोले ना, परिवार ही अपना रहो, सबसे पहली बात माँ बाप से कुछ नहीं छुपाना चाहिए, माँ बाप ने एकदम मतलब ऊंची स्थान देना चाहिए अभी भी। अनुज आपके विचार में? मेरे विचार में यंगस्टर्स ने एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रखना चाहिए, मतलब सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सेंस खाओ पियो ऐश करो कमाओ अपनी सब कुछ करो पढ़ाई भी करो, मतलब एक होश में रहो, वो है ना जो आजकल यह सब रहो ड्रग्स यह सब चीज़ों, मतलब हेलो की कार्यक्रम में आया इनके लिए था बहुत बहुत आभार है, हिमालय टेलीविजन की तरफ से आपके लिए छोटी सी भेंट, गौरव या आपके लिए और नीतीश या आपके लिए और या वीएलसीसी की तरफ से एक छोटी सी भेंट, थैंक यू गौरव या वीएलसीसी की तरफ से आपके लिए और नीतीश या आपके लिए। दर्शक वृंद अभी आप बातचीत कर रहा था तीन युवा लड़का लोगों से, इन्हों को सोचना है कि परिवार पहले है उनके बाद और चीजा आवे है और सागे सागे आपकी लाइफ ने जीनो भी उतनो ही जरूरी है, इतनो कहते हुए मैं आप सब लोगों से आज के लिए इजाज़त चाहूँगा, अगले शनिवार फिर नए कार्यक्रम के सागे उपस्थित रहूँगा और ऐ कार्यक्रम के बारे में आप लोगों की कोई भी सलाह सुझाव या प्रतिक्रिया हो है, तो मेरे से टेलीफोन संपर्क कर सको हो 9849923804 पर या ईमेल संपर्क कर सको हो अपनो nepal@himalayatv.com पर, और अब आप फेसबुक संजाल में भी हाँ अपनो नेपाल अपनो गौरव पेज में जाकर के सारी जानकारी आप लोग ले सको हो, सागर सागर पुराना अगर एपिसोड कोई भी देखना चाहो तो यूट्यूब में सभी अपलोडेड है। नमस्कार। गत हप्ता सोधिएको प्रश्न, स्वर सम्राट को उपाधि पाउने नेपाली गायक को हुन्? अप्सन ए नारायण गोपाल, अप्सन बी गोपाल योञ्जन, अप्सन सी भक्तराज आचार्य, अप्सन डी अम्बर गुरुङ। यसको सही उत्तर हो अप्सन ए नारायण गोपाल। दर्शक प्रश्नको भाग्यशाली विजेता भई इलेक्ट्रोनको आकर्षक उपहार जित्न सफल हुनु भएको छ 9842921997।
कनक डिजाइनर डिस्काउंट कूपन पाने एसएमएस कर्ता ब्रिटानिया को गिफ्ट हैम्पर पाउन सफल पांच एसएमएस कर्ता हुनुहुन्छ 98133 17933 98032 22 0600 98494133636 98473074776 98580012162 बधाई छ विजेताले आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाण सहित एक हप्ता भित्र हिमालय टेलिभिजन को कार्यालय मध्य बानेश्वर काठमाडौँमा सम्पर्क राख्नु होला। मोबाइल नम्बर 98498923804 मा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न, ज्येष्ठ 15 गते नेपालमा कुन दिवस मनाइन्छ? अप्सन ए गणतन्त्र दिवस, अप्सन बी लोकतन्त्र दिवस, अप्सन सी बाल दिवस, अप्सन डी मजदुर दिवस। दिएका अप्सनहरू मध्ये ए एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबीसीडी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् इलेक्ट्रोनको आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई ब्रिटानियाको तर्फबाट गिफ्ट ह्याम्पर, कनक डिजाइनर स्टुडियोका तर्फबाट 10 जनालाई डिस्काउन्ट कुपन र प्रत्येक महिना सुन जस्तै देखिने गहना 1 जनालाई, साथै कलर्स मोबाइल एक थान 1 जनालाई। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:30 बजे माप्रो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। Authorized distributor for Nepal Kitchen Concepts Private Limited. Kapal ko saundarya sajaunat ko lagi Poonam Mehndi. Kanak Designer Studio, Pasal Number T23, Ra34, City Center, Kamal Pokhari.